Especially sons and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. Some of the wealth that was Obtained was kept by the leaders. Some was given to the priests, and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for the performance of yajans, yajnas or sacrifices, in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ki grain, and in some cases animals. To Rigveda चिल्ड्रन और की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रेयर्स है तो हॉर्सेस को बैटल मींस होता है युद्ध है ना? तो लड़ाई में रथ खींचने के या चैलियोट खींचने के काम में लाया जाता था इन फाइट्स में कैटल्स जीत कर लाए जाते थे लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी सॉरी लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी लैंड के लिए जहाँ अच्छे चारा गां हो या जहाँ पर बार्ले जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जा सकता हो कुछ फाइट्स वाटर के सोर्सेज है ना पानी के स्रोतों और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी जाती थी तो बैटल में जीते गए धन का कुछ पार्ट सरदार रख लेते थे ओके वो जो लोगों का ग्रुप होता था उसके लीडर है ना उसको सरदार कहते हैं वो रख लेते थे और कुछ पार्ट प्राइस्ट को दिया जाता था पुरोहितों को और बाकी बचा हुआ धन आम लोगों में बांट दिया जाता था कुछ धन यज्ञ यजन यहाँ जो दिया हुआ है यजन को यज्ञ भी कहते हैं है ना और सेक्रीफाइसेस को भी यज्ञ कहते हैं हम ठीक है उसके लिए भी यूज होता था तो सेक्रीफाइस की फायर में यज्ञ की आग में आहूति दी जाती थी और ये आहूतियाँ गॉड गॉड को दी जाती थी घी ग्रेन्स मीन्स अनाज और कभी कभी एनिमल्स की भी आहूति दी जाती थी ठीक है ऑफरिंग तो ज़्यादातर मीन्स इन बैटल्स में या इन वार्स में पार्टिसिपेट करते थे कोई रेगुलर आर्मी होती थी नहीं होती थी लेकिन लोग असेंबलीज में मिलते जुलते थे और वॉर और पीस मींस युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे वो लोग डिस्कस करते थे मैटर वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना लीडर चुनते थे जो ब्रेव भी होते थे और स्किलफुल मीन्स कुशल योद्धा होते थे वॉरियर्स है ना नाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल लोगों की विशेषता बताने वाले वर्ड्स ठीक है शब्द तो लोगों का वर्गीकरण डिस्क्राइबिंग ठीक है लोगों का जो देय आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल लोगों का वर्गीकरण उसके उनके वर्क लैंग्वेज फैमिली ओके या जो उनका कम्युनिटी होता था है ना समुदाय उनका निवास स्थान जहाँ वो रहते थे और उनकी कल्चरल प्रैक्टिस सांस्कृतिक परंपरा के बेस पर किया जाता रहा है ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ वर्ड्स को यहाँ देखिए आप है ना तो ऐसे टू ग्रुप्स जिनको जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है देयर आर टू ग्रुप्स हुआ इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क ओके द प्राइस्ट सम कभी कभी मतलब पुरोहित प्राइस्ट मीन्स होता पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है और तरह तरह के सेक्रीफाइसेस मीन्स यज्ञ और अनुष्ठान वेरियस रिचुअल्स एंड द यज्ञ ठीक है सेक्रीफाइसेस रज रजास बताया गया है यहाँ पर रजास एंड राजास है ना तो वो करते थे नहीं राजास यहाँ दूसरा है एक मिनट द प्राइस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स है ना तो प्राइस्ट हैं जिनको ब्राह्मण भी कहा जाता था और वो यज्ञ या वेरियस रिचुअल्स मतलब बहुत सारे आ, शुभ काम कहा जाए वो संपन्न कराते थे और दूसरे होते थे राजा है ना तो ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे ये ना तो बड़ी कैपिटल्स और पैलेसेस में रहते थे ना इनके पास आर्मीज़ थी ना ही ये टैक्स वसूलते थे तो प्रायः राजा की डेथ के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था ओके ये देखें जनरलीट ऑटोमेटिकलीक्शन okay? तो को एक बार आप फिर पढ़ें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि राजा क्या करते थे ओके okay? तो पीपल या होल कम्युनिटी है ना जनता या पूरे समुदाय के लिए टू वर्ड्स का यूज होता था एक जिसको जन कहा गया है ना एक था जन जिसका यूज हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में आज भी होता है है ना और दूसरा था विश्व जिससे वैश्य शब्द निकला है ओके इस विषय पर आप चैप्टर सिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे सॉरी चैप्टर फाइव में और डिटेल में पढ़ेंगे ओके तो ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं है ना इसलिए हमें पुरुजन या विश भरत जन या विश यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं किसमें ऋग्वेद में ओके नाउ डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना सा लगता है तो जिन लोगों ने इन प्रेयर्स या इन हाइमंस है ना की रचना की जिनने इसे कंपोज किया वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे अपोनेंट्स है ना उसको दास या दस्यु कहते थे दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे सेक्रीफाइस ठीक है जिसे हम हिंदी में यज्ञ कहते हैं वो नहीं करते थे और शायद अदर लैंग्वेजेस बोलते थे दूसरी लैंग्वेजेस बोलते थे और बाद के टाइम में दास और उसका आप अगर फेमिनाइन देखें तो वो दासी है ना, शब्द का मतलब गुलाम हो गया ठीक है स्लेव स्लेव मीन्स होता है गुलाम है ना दास वे वुमन और मेंस होते थे जिन्हें बैटल्स में या वॉर में कैप्चर कर लिया जाता था उन्हें बंदी बना लिया जाता था है ना उन्हें उनके मालिक जो ओनर होते थे ठीक है उनके उनकी प्रॉपर्टी माना जाता था तो जो भी काम ओनर चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था और जिस युग में सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेद का कंपोजिशन हो रहा था उसी समय दूसरे प्लेसेस पर एक अलग तरह का डेवलपमेंट हो रहा था देखो वहाँ क्या हो रहा था ठीक है यहाँ दिया हुआ है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगलिथ सो लुक एट द देशन ऑन द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पर देखिए दिया हुआ है ये देखिए है ना दिस टाइप ऑफ मेगलिथ इज नॉन एज अ सिस्ट सम सिस्ट लाइक द वन शोन हेयर पोर्ट होल विच कुड बी यूज एज एन एंट्रेंस ये देखिए यहां पर आपको एक पिक दी हुई है है ना इस पिक में क्या बताया गया है कि इस तरह के मेगालिथ को सिस्ट मींस ताबूत ताबूत नाम आपने, आपने सुना होगा जिसमें डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं है ना तो ताबूत ताबूत शवाधान शव रखा जाता है ठीक है उसे हम सिस्ट भी कहते हैं और यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल मतलब बड़ा सा सुराख आपको यहाँ दिख रहा है ये देखिए ये, है ना बड़ा सा आपको होल दिखेगा जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था ठीक है हैिट्स दीज वर केयरफुली केयरफुलरेंज बाई पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियर साइट द प्रैक्टिस ऑफ एरेक्टिंग मैगालिट्स बिगे अबाउट थ्री थाउजेंड एगो एंड प्रीवेलेंट थ्रू आउट द आउटन साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर ओके तो ये मेगालिथ मेगालिथ मतलब होता है महापाषाण है ना पाषाण मीन्स पत्थर होता है मतलब बड़ा मतलब बड़ा पत्थर ठीक है मेगालिथ नाम से जाने जाते हैं ये स्टोन दफन करने के ओके okay, बरियल साइट है ना दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे और मेगालिथ बरियल्स बनाने की प्रथा लगभग थ्री थाउजेंड एगो है तीन हजार साल पहले शुरू हुई ये प्रथा दक्कन साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया और काश्मीर में फेमस थी ठीक है प्रचलित थी ये नाउ सम इंपोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप टू पेज नंबर थर्टीन में आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मैगालिथिक साइट्स जो हैं वो आपको मैप टू में दिखाए गए हैं कुछ मैगालिथिक मैगालिथ लैंड के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ मैगालिथ जमीन के अंदर भी होते हैं ठीक है तो कई बार आर्कोलॉजिस्ट को गोलाकार राउंड शेप के ओके सर्कल शेप के सजाए हुए पत्थर मिलते हैं स्टोन मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है स्टोन मिलता है ये ही एकमात्र प्रूफ है जो जमीन के नीचे बरियल्स को लैंड के अंदर है ना बरियल्स को प्रेजेंट करते हैं दर्शाते हैं ओके नाउ देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ मेगालिथ के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे हमने जो वर्क्स की लिस्ट बनाई है उन्हें आपको क्या करना है ये जो यहाँ दिया हुआ है उसको लिस्टेड करना है कि गड्ढे खोदना सिलाकंडो को गड्ढे खोदना ओके okay? डिगिंग पेट्स ऑन द अर्थ ट्रांसपोर्ट स्टोन्स मतलब स्टोन्स को ढोकर लाना बड़े पत्थरों को तराशना प्लेसिंग स्टोन इन पोजिशन ब्रेकिंग बोल्डर ओके okay? फाइंडिंग सिटेबल स्टोन शेपिंग स्टोन बरिंग द डेड तो इनको आपको लिस्टेड करना है है ना कि पहले क्या किया जाता फिर क्या फिर क्या ओके okay? तो ये सब आप करेंगे ना ऑल दीज बरियल्स इन सब कब्रों में इन सभी बरियल्स में कुछ सिमिलरिटीज हैं तो सामान्यतः डेड बॉड जो होते हैं मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन है ना ब्लैक एंड रेड वेयर ओके मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार ओके okay? आयरन्स वेपन्स ऑफ आयरन स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस मतलब घोड़ों के कंकाल और सामान उनके इक्विपमेंट्स और स्टोंस और ऑर्नामेंट्स ऑफ और गोल्ड ओके okay? वो सब भी मिले हैं है ना तो यहाँ पर वे एक क्वेश्चन पर है कि क्या हड़प्पा की सिटीज में आयरन का यूज होता था ये यह देखिए यहां पिक दी हुई है आपको जो जो बरियल्स के अंदर से मिला है मतलब कब्रों के अंदर से यहाँ सबसे फर्स्ट आपको जो दिख रहा है वो आयरन इक्विपमेंट है है ना जो कि मेगलिथ बरियल्स में पाई गई है ओके okay? तो यहाँ देखें हॉर्स का इक्विपमेंट है वो जो फर्स्ट में दिया हुआ है लेफ्ट में देखें एक एक्स दिख रही है आपको सेकंड ये जो टू एक्सेस दिख रही है ठीक है कुल्हाड़ी की तरह और ये अ डैगर है ना एक कटार दिख रही है आपको ठीक है रेस्ट वी विल रीड टूमारो